फ्रेंच फ्राइज। इस फ्रेंच फ्राइज के मायने आप एक बच्चे से पूछकर देखना जरा। जैसे ही फ्रेंच फ्राइज का नाम लिया जाता है, उसके आंखों के आगे चमक सी आ जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये फ्रेंच फ्राइज को बनाने वाला जो आलू है, वो किस तरीके से आपको सारे साल आपकी मंडियों में मिल जाता है और आप आराम से खरीद कर ले आते हो? यही चेक करने के लिए मैं मुरादाबाद के एक कोल्ड स्टोरेज में चला गया, जहां पर दुनिया जहान का आलू मैंने देखा, वो सब्जी देखी जिसको एक बार स्पेस में भी उगाया जा चुका है। तो चलो आपको दिखाता हूँ मुरादाबाद का एक बहुत ही बड़ा कोल्ड स्टोरेज, जहां से आपको मिलता है सारे साल आलू। स्टोरेज दिखाता हूँ आपको कि कोल्ड स्टोरेज आकर दिखता कैसा है। ये देखो गाड़ियाँ लगी रहती हैं आलू की, यहाँ पे ये सीधा खेतों से खुद के आता है और ये कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है आने वाले 9-10 महीनों के लिए। 10 महीने तक, 11 महीने तक ये आलू जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये सब पड़ा रहता है कोल्ड स्टोरेज के अंदर और उसके बाद इसको निकाला जाता है। तो अंधेरा कोल्ड स्टोरेज ही होता है, बिल्कुल ठंडा होता है, यहाँ पर एकदम ठंड होती है। ये होता है कोल्ड स्टोरेज, देख रहे हो आप, इसमें 3 फ्लोर नीचे तक भी आलू भरा हुआ है। इतना मोटा गेट है, ये फ्रिज है एक तरीके का, ये मशीनें लगी हुई हैं इसमें, ये आलू ही आलू है। यहाँ जी को आलू दिखा रहे हैं, ये देखो ये सब, ये सब रेफ्रिजरेटर है बड़े बड़े, जो इस पूरे के पूरे मशीन को ठंडा रखेंगे। और कहते हैं इतना ठंडा हो जाता है आलू की, बिल्कुल पत्थर हो जाता है बर्फ़ की तरह, तभी ख़राब नहीं होता है, इसलिए पूरे साल आलू की सप्लाई जो है वो मिलती रहती है। इसका क्या रेट चल रहा है पुखराज का? पुखराज का रेट तो हम खेत पालन करता हूँ। अभी हम थर्ड फ्लोर के स्टोरेज पे हैं, अब हम जाएंगे नीचे। सेकंड फ्लोर वाला स्टोरेज इसको खोल लिया हम लोगों ने, और एक ही जगह लगा हुआ है। ये हमारे मामा जी हैं, ये देखो भाई, यहाँ भी आलू ही आलू भरा हुआ, बस जहाँ नजर जाएगी वहाँ आलू दिखेगा आपको। अलग अलग वैरायटी का, छोटा आलू, बड़े आलू, चिप्स होना, जहाँ देखो वहाँ आलू ही आलू दिखेगा बस। आलू सब छट्टा आया है, थोड़ा थोड़ा ले आते 50-60 बहुत बड़ा स्टोरेज है ये, बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज है। सूर्य भी है, ये सब 14। समझ में आया आपको? नहीं, इसमें जैसे हमें इन्होंने बताया था कि 5,000 कट्टे एक ही आदमी के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक ही आदमी, क्योंकि अगर एक ही आदमी के होते तो 5,000 कट्टे एक ही फ्लोर पे एक ही उसमें लगे होते। मतलब एक आदमी से आपका मतलब है एक किसान? एक किसान, एक खेत के एक किसान की एक वैरायटी। चंदोसी गए, बोले जी हमारी 160 बीघा जमीन है, हमारे 5,000 कट्टे निकले हैं, अब 300 यहाँ है, 200 कहीं है, 150 कहीं है, तो इसका इट मीन्स कि ये एक आदमी का नहीं है। राइट राइट राइट, ये चीज। और एक आदमी का माल होना, एक वैरायटी की चीज होना, एक क्वालिटी होना, तो उसको लेने का फायदा भी वो चीज अलग है। अब इसमें मिक्स मिठाई जैसा हो गया, जैसे हम एक खरीदते हैं ना मिठाई की दुकान में, दो लड्डू हैं, दो बर्फी हैं, दो आलू शाही हैं, वो कहानी हो, तो वो बाद में आपको डील करने में परेशानी। हाँ, वो दिक्कत आती है। तो भैया इसी तरीके से ये ट्रेडर लोग काम करते हैं, बल्क में सब्जियां खरीद कर उसको स्टोर करना,
बहुत दिमाग लगाने वाला काम है। चालीस बोरी आई तो जैसे सपोज आपकी खेत से 40 बोरी आई, हाँ, आप मेरे कोल्ड स्टोर में रखी है, ठीक है, 40 बोरी यहाँ पे रखी है हमने इस प्रॉपर, हाँ, स्पेस में, तो ये यहाँ पे ये है 58 नंबर, हाँ, ये रैक नंबर है 58, हाँ, और आपके अगर 40 कट्टे हैं तो 58/40 कर देंगे उसको। अच्छा, वो पर्ची हम आपको दे देंगे, हाँ, जब भी आप वो पर्ची लेके आओगे हम 58 नंबर ढूंढ के वो 40 कट्टे देख के 58/40 वो आपको दे देंगे। अच्छा, इस तरीके से ध्यान रखते हैं लोग। पूरे कोल्ड स्टोरेज में ऊपर नीचे घूम घूम के अपना माल पसंद किया जा रहा है कि कौन सा माल हमारे को लेना है, कौन सा आलू हमारे को लेना है, क्योंकि बेस्ट आलू ही लिया जाएगा, कोई इधर उधर का आलू लिया नहीं जाएगा। अब ये देखो दूसरा उसमें जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर के कोल्ड स्टोरेज में जा रहे हैं। ये जो कोल्ड स्टोरेज है अगर आपको ऐसे दिखाऊं मैं, ये देख रहे हो अभी जालियां लकड़ी सी बनी हुई है, ये नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे ही बनी हुई है। ये जो अभी उन्होंने बताया था रैक नंबर, वो लिखा रैक नंबर, उसके हिसाब से टोटल कितनी बोरियां हैं वो सब चीज़ें, तो हर जगह आलू ही आलू दिखेगा आपको। अगर नीचे कोई ठंडी हवा छोड़ी जाएगी ना तो वो पूरे के पूरे कोल्ड स्टोरेज में ऊपर तक घूम जाएगी। और ये 5 फ्लोर का है, मतलब करीब 6,500 मेट्रिक टन इसके अंदर टोटल आलू आ सकता है। अब ये कमरा नंबर 2, इसके चेंबर में हम जा रहे हैं, पूरा रेफ्रिजरेटर है ये अंदर, इसमें भी आलू ही आलू भरा है, देखो हर जगह आलू ही आलू है। बाकी आप जा जो ऑटो को वो लिख देंगे। ये अभी आ रहे हैं आपके, जिनों के 5,000 कट्टे रखे हुए हैं, हाँ, उन्हीं का ये सारा माल, हाँ, 5,000 बेच रहे हैं, 2,000 बेच रहे हैं। वो तो मैं छाट दूंगा था उनको, 2-3 लाख, 2-3% अगर आप देखो इसकी जो भंडारण क्षमता, मतलब जो इसकी कैपेसिटी है वो 6,230 मीट्रिक टन जो है वो यहाँ पर स्टोर हो सकता है। और आलू आया जा रहा है, ये देखो तो आपको हमने दिखाया पूरा का पूरा कोल्ड स्टोरेज। अभी अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करने क्या है, तो करने के लिए हम पूछेंगे एक्सपर्ट से। ये है मेरे मामा जी, इन्होंने लाइफ टाइम, मतलब जब से होश संभाला तब से ये सब्जी का ही काम कर रहे हैं और सब्जी के बहुत अच्छे व्यापारी हैं। तो मामा जी हम यहाँ पे क्या करने हैं? हम यहाँ पे जी आलू खरीदने आए हैं। अच्छा, आलू है अभी जैसे ये खुद के आ रहा है, पूरे साल यही आलू चलता है, अभी ये कोल्ड स्टोर में चला जाएगा फिर, क्योंकि अब खेत खाली हो गए, अब उनमें कोई और फसल बोई जाएगी, अब फिर जब हमें भी जब भी मंडी में आलू की जरूरत होगी तो कोल्ड स्टोर से ही जाता है। ओके, अब ये दिवाली तक जब तक दोबारा नया आलू नहीं पैदा होता दिसंबर तक, तब तक यही आलू चलेगा अब ये दिसंबर तक। तो खेत में अब दोबारा आलू होगा नहीं, यही वाला आलू खाया जाएगा, पूरा इंडिया यही खाएगा, पूरा इंडिया यही दिसंबर तक यही आलू चलेगा। अच्छा, और ये कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा? कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा, तो 6 महीने ये इसी में ही रहेगा। अच्छा, तो हम जो यहाँ पे आलू खरीदने आए हैं इसमें मतलब हजारों के हिसाब से बोरी खरीदी जाएगी और इसी में रख दी जाएगी और वेट किया जाएगा, उसका चार्जेस हमें देना पड़ेगा, उसका हमें चार्ज देना पड़ेगा, 110 रुपए एक बैग का हमें इसका किराया देना पड़ेगा। अच्छा, 110 रुपए एक बोरी, एक सीजन के लिए, दिसंबर तक के लिए, दिसंबर से पहले हमें खाली करना, तो हम दिसंबर तक वेट करेंगे इसके रेट बढ़ने, इसके रेट बढ़ने का, और मान लो रेट ना बढ़े मामा जी तो नुकसान हो जाएगा, तो वो नुकसान हो जाएगा, तो ये रिस्क है, ये रिस्क, और जो कि लेना जरूरी है हर काम, हर काम में रिस्क को, ऐसा कोई काम ही नहीं है जिसमें नहीं, तो हमने ले लिया आज का अपना कोटा, कुछ ले लिया, कुछ लेना है, कुछ होली के बाद लेंगे 2-3 दिन बाद। तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये काम होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछना, मैं मामा जी से आपकी डायरेक्ट बात करा दूंगा, ठीक है? मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है पूरा कोल्ड स्टोरेज, 5 मंजिलों की बिल्डिंग होती है और ये सिर्फ आलू ही आलू यहाँ पे आ रहा है, ट्रैक्टरों में भर भर के यहाँ पे सिर्फ आलू ही आता है। और मेरे पीछे मामा जी खड़े हैं जो ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं,
उन्होंने कर लिए हैं अपने सौदे। तो भैया हम तो अपनी आलू की शॉपिंग करने के बाद कोल्ड स्टोरेज के दूसरी तरफ ही बने इस आम के शानदार से बगीचे में आ गए और नेचर का मजा लिया। शायद ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।